समाज जब वर्गों में विभक्त है तब राजसत्ता होता है और राजसत्ता पर एक वर्ग का ही अधिकार होता है। सत्ता षड्यंत्र व लाठी से चलती है जिसका शिकार आज अति पिछड़ा वर्ग हो रहा है। लाठी के प्रहार से ज्यादा खतरनाक षड्यंत्र है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत न्यायालय के माध्यम से अति पिछड़ों के अधिकार का हनन किया जा रहा है, जबकि संवैधानिक सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के द्वारा बिहार में आरक्षण दिया गया था, जो अति पिछड़ा को 12%, पिछड़ा वर्ग को 10%, महिला को 3% व स्वर्ण गरीबों को 2% आरक्षण मिली थी, किंतु अधिकार सबका बराबर था। लेकिन अति पिछड़ों का हक का अतिक्रमण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 7 दबंग जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में वर्ष 2014-15 में शामिल कर लिया गया, जो लोटा दिखाकर बटलोही गायब करने की कहावत को चरितार्थ नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। यह आरोप धरना प्रदर्शन करने वालों ने लगाया है। हम सरकार कहती है कि 2 बच्चा वाला नगर निकाय में चुनाव लड़ेगा, पंचायत में चुनाव लड़ेगा, तो दुए बच्चा वाला विधायक भी बने, दुए बच्चा वाला सांसद भी बने, राज्यसभा में भी जाए दुए बच्चा वाला। और अति पिछड़ा हम लोग हैं, अति पिछड़ा खाली अति पिछड़ा बना दिया। अरे अति पिछड़ा का जो है से कि देव कोटा देव, विधानसभा में जो है से कि लड़ने के लिए कोटा देव, लोकसभा लड़ने के लिए कोटा देव, तो खाली अति पिछड़ा के नाम पर नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठ गए हैं। और अभी केंद्र में अति पिछड़ा आयोग नहीं बनाए हैं। ये नरेंद्र मोदी हम लोग के ठगने का जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी ठगा जाएंगे, उनको 2024 में पता चलेगा। और महोदय, आज हम लोग अति पिछड़ा विकास संघर्ष समिति के तहत धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी अति पिछड़ा समाज के मांग है कि जो कर्पूरी जी के द्वारा जो आरक्षण दिया गया था अति पिछड़ा के, इसमें दबंगों लोगों के भी अति पिछड़ा में साथ कर दिया गया है। इस जो दबंग को दिया गया है उसको अलग कैटेगरी में रखा जाए और पूर्व से हम लोगों के अति पिछड़ा में जो लागू किया गया था, जो खास करके चंद्रवंशी था, नाई था, बढ़ई था और कहिए कि लोहार था, प्रजापत थे या अन्य हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग थे, इन तमाम लोगों को हम लोग के एक कैटेगरी में किया जाए और नए जो नक्तक के फार्मूला के तहत नीतीश कुमार ने जो लागू किया है उसको अलग दरकिनार किया जाए। आईसी के तहत हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। दूसरी ओर जो अभी नगर चुनाव में अति पिछड़ा समाज को अलग किया गया है, हम मांग करते हैं कि इसको पुनर्ख़त्म करते हुए और अति पिछड़ा लोगों का मतलब जगह दिया जाए। और हम केंद्र और राज्य से मांग करते हैं कि सिर्फ मतलब कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति और क्या बोलते हैं जनरल को ही लोकसभा में और विधानसभा में लड़ने की अनुमति दिया गया है, उसमें हम लोग के अति पिछड़ा को भी मतलब कि सीट लोकसभा और विधानसभा में दिया जाए, जो हम यहाँ से लेकर के हम केंद्र तक के यहाँ से झोपड़ी की आवाज़ केंद्र तक पहुँचाना चाहते हैं। मेरा नाम धरना को लोगों को जागृति देते हुए अपनी हक की लड़ाई में हम अग्रस्त रहेंगे। ये अति पिछड़ा का जो हकमारी किया गया है, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा वो अति ही निंदनीय है। हमारा जो है अति पिछड़ों को जो कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा जो भी आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण के मुताबिक हमें अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। मैं वासुदेव उर्फ भोला ठाकुर, सम्राट अशोक वंशज संघ के प्रदेश अध्यक्ष।